है यमुना एक्सप्रेस वे और इसी यमुना एक्सप्रेस वे लगी हुई है हमारी सर्विस रोड, ठीक है जी। जो कि उसी सर्विस रोड पे 60 फीट वाइड रोड है और ये है हमारा साइड ऑफिस। और ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। और आप कभी भी आते हैं तो आपको इस तरह से इनका ऑफिस मिलेगा, यहाँ से आपको पूरा प्रोजेक्ट विजिट कराया जाएगा। आप ड्रोन की मदद से देख रहे हैं, आपको हम पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। बता रहा था कि हमारा काम चल रहा है आगे की तरफ। अच्छा। तो ये है जो हमारा 40 फीट का रोड है, अगल बगल में आपका नालियां सीवर सारा काम चल रहा है, उस साइड में आपके प्लॉटिंग का जो है डिमार्केशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस 100 फीट पे ये हमारी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस की बात करें तो 60 फीट की हमारी ये मेन एंट्रेंस है। क्या बात है, देख सकते हैं इतनी चौड़ी रोड कोई नहीं देता, बल्कि हम दे रहे हैं ग्रीनरी के साथ, आपकी सिक्योरिटी केबन के साथ सारी चीजें लगा के। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सर ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। सर मैं देख रहा हूँ आपने प्लांटेशन भी बहुत अच्छी की हुई है। सर हमारा नाम ही कंपनी का नाम है हरित वाटिका, तो उसी तरीके से हम जो है इसमें सारी ग्रीनरी करके दे रहे हैं। 60% हम इसमें ग्रीन एरिया दे रहे हैं, ओपन एरिया दे रहे हैं हम इसमें। बाउंड्री की जा रही है, यहाँ भी कुछ बन रहा है। हाँ जी, ये यहाँ पे कॉमर्शियल बन रहा है, यहाँ पे शॉप्स आएंगी, जो डेली बेसिक नीड की चीजें होती है वो आपको सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। देखिए काम चल रहा है, रोड को भी कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। साफ जो प्लॉट यहाँ पर सेल होते रहेंगे वो लोग अपने प्लॉट के नंबर के थ्रू यहाँ अपने प्लॉट को पहचान सकते हैं। आप अपने प्लॉट पे खड़े होकर देख सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा प्लॉट है। उनका कितना चौड़ा रोड है और सामने देखिए एक्सप्रेस वे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आपका घर है, आपने यहाँ अपनी कोठी बनाई, अपना बंगला बनाया, छोटा सा घर बनाया, मकान बनाया, और देखिए नेचर कितना अच्छा है। और मेन होता है सर सबसे अच्छा लोकेशन, आप बिल्कुल लोकेशन देखिए, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे, साथ में सर्विस रोड भी मिल रहा है, साथ में सर्विस रोड मिल रहा है, व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, मंदिर भी दे दिया है, पार्क भी दे दिए। ये देखिए हमने यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही डेवलप की हुई है, जिससे कि क्या होता है ना कि कुछ बिल्डर बोलते हैं कि हम ये बना के देंगे, ये करके देंगे। सर ऐसा बोलते हैं कि मंदिर बना के देंगे और यहाँ पे पार्क बना के देंगे, लेकिन होता नहीं है। फिर बाद में वहाँ पे मुझे लग रहा है वही प्लॉटों में कट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे चारों हमने कवर्ड करके मंदिर बना के आपको दिया हुआ है, चाहे पार्क हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो अलग चीजें हो। हाईवे के पास प्रॉपर्टी चाहिए और आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है एक्सप्रेस वे यानी यमुना एक्सप्रेस वे के पास, ऐसी प्रॉपर्टी कि आप यमुना एक्सप्रेस वे से खड़े होकर के अपनी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हमारे साथ अर्जुन सर। सर क्या हाल चाल है? हेलो, बढ़िया सर। सर बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइए, लास्ट टाइम हमने आपकी वीडियो बनाई थी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड आई है जी कि सर आपका प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, जो बिल्कुल ऑन हाईवे से हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इसके अंदर अगर हमारा कोई व्यूअर्स आपसे प्लॉट लेना चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, किस तरह की ये प्रॉपर्टी है? ये देखिए बिल्कुल आपके यमुना एक्सप्रेस वे पे स्थित है आपका। हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे के बराबर में सर्विस रोड है, उस पे आपका मेन गेट ओपन होता है आपका। ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों देखिए एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, ये है हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, आप इधर चल के देख सकते हैं। ये देखिए ये वही है दोस्तों जो आप दिल्ली और नोएडा की तरफ से आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, और जो सर सीधा आगरा वगैरह लग आगरा मथुरा वृंदावन की तरफ सीधा निकल जाता है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो ये देखिए ये हमारा सर्विस रोड है सर, इस सर्विस रोड से बिल्कुल लग करके प्रॉपर्टी है और डेवलप प्रोजेक्ट है आपका पूरा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सामने ही आपको गार्ड के लिए केबिन दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ यहाँ पर रास्ता बंद करने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए हैं, आपकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। देखिए अभी हम आ गए हैं अपने इस यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतर करके इस सर्विस रोड पर। सर इस सर्विस रोड के बारे में बताइए। सर ये वही सर्विस रोड है जो आपका परी चौक से लेके गेट नोएडा की तरफ से, ठीक है जी, फिल्म सिटी एयरपोर्ट होते हुए, अच्छा जी, और आपका ये सीधे मथुरा वृंदावन आगरा की तरफ जो जा रहा है, क्या बात, इसी यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका सर्विस रोड, ये यमुना एक्सप्रेस के सारे दोनों तरफ आपकी जा रही है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये देखिए 100 फीट का ये आपका पूरा रोड है, ठीक है जी। और इस 100 फीट पे ये हमारी मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस की बात करें तो 60 फीट की हमारी ये मेन एंट्रेंस है। क्या बात है, देख सकते हैं इतनी चौड़ी रोड कोई नहीं देता, बल्कि हम दे रहे हैं ग्रीनरी के साथ, आपकी सिक्योरिटी केबन के साथ सारी चीजें लगा के। और दोस्तों देखिए प्रोजेक्ट कितना अच्छा, आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो इस तरह के आपको दोनों तरफ एग्जिट और एंट्री के लिए दोनों आपको गेट मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको सर्विस रोड मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है आपको यमुना एक्सप्रेस वे, तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। अगर आप यहाँ पर प्लॉट्स लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। सर बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि क्या हम यहाँ पर अपना एक तरह से कह सकते हैं फार्म हाउस बनाकर रह सकते हैं,
या अपना घर भी बना करके क्या रह सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल रह सकते हैं सर, 143 हमारी ऑलरेडी इसमें की हुई है, CLU जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, एवरीथिंग, सारी चीजें आपकी इसमें, सारी टाइटल आपके क्लियर है। आज चाहो आज बना के रहो, लाइट, बिजली, पानी सब कुछ आपकी कम्प्लीटेड है, पार्क है, मंदिर है, सारी चीजें। ये हमारी गोल्फ कार है, इसमें हम लोगों को जो है विजिट कराते हैं, क्योंकि 70 एकड़ की टाउनशिप है तो पैदल पैदल आदमी थक जाते, तो इसलिए फिर हमने गोल्फ कार की व्यवस्था की है, जिससे कि पूरी सोसाइटी को जो है दिखाया जाता है इसके। यानी दोस्तों देखिए, आपके लिए सर ने सारी चीजों का मतलब इंतजाम किया हुआ है, आप कभी भी यह साइट विजिट के लिए आएंगे तो इस तरह की गाड़ी में आपको ये पूरी साइट विजिट कराई जाएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, हरित वाटिका। वाटिका, जैसे आप ये हरियाली यहाँ पर देख रहे हैं, चारों तरफ आपको हरियाली मिल रही है, ये देखिए, उसी तरह की ग्रीनरी पूरे प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, फुल डेवलप प्रोजेक्ट है। चलिए आपको दिखाते हैं, इस गाड़ी में हम बैठेंगे और आपको लेके चलेंगे इस प्रोजेक्ट की तरफ, आइए सर। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ सामने हरित वाटिका का आपका बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो रूम है सर ये क्या है? ये हमारा साइट ऑफिस है। अच्छा जी। जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पे उठने बैठने के लिए, चाय पानी, नाश्ता करने के लिए, सारी चीजें बैठ के भी सारा ब्रीफ किया जाता है, तो हम इसी ऑफिस में उनको सारी चीजें कराते हैं। क्या बात है दोस्तों, देखिए साइट पे आपको बहुत ही प्यारा सा ऑफिस भी मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए आपको AC भी लगा हुआ है, यानी सर आपने बिजली का पूरा मतलब सुविधा की हुई है हमारे। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सर ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। सर मैं देख रहा हूँ आपने प्लांटेशन भी बहुत अच्छी की हुई है। सर हमारा नाम ही, कंपनी का नाम है हरित वाटिका, तो उसी तरीके से हम जो है इसमें सारी ग्रीनरी करके दे रहे हैं। 60% हम इसमें ग्रीन एरिया दे रहे हैं, ओपन एरिया दे रहे हैं हम इसमें। ठीक है सर, ये जो हमारा रोड है पूरा मैं देख रहा हूँ RCC का रोड है, ये कितने फीट के रोड आपने निकाले हुए? सर देखिए, जो हमारे दो मेन एंट्रेंस है दोनों 60-60 फीट के हैं। ठीक है जी। अगर मैं अंदर वाले इंटरनल रोड की बात करूँ तो हमारे 40 फीट एंड 25 फीट के रोड है। अच्छा जी। तो दोस्तों रोड भी यहाँ पर काफी वाइड आपको दिए जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है आप कहीं भी चेक कर लेना, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो इससे अच्छा डेवलप प्रोजेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। USP की बात करेंगे यहाँ पर सर से, बहुत बड़ी बड़ी USP आपको मिलेंगी जो कि हमारे इस यमुना एक्सप्रेस वे पर आपको मिल जाती हैं। सर साइड पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पूरा आपने कवर्ड किया हुआ है, ये क्या है? ये सर आपका, हम इसमें टोटल 5 से 6 पार्क दे रहे हैं, जिसमें से 4 पार्क हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अच्छा, जैसे कि आपका एक पार्क ये है, ठीक है जी। एक उसके जस्ट अपोजिट में आ जाता है। अच्छा, बाकी आगे आपके ये बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्क भी आपको काफी मिल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और हर जगह आप देखते होंगे वहाँ पर सिर्फ आपको जमीन दिखाई देती होगी, यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है, हरियाली है, और पार्क के लिए अलग से यहाँ पर बाउंड्री वॉल किया हुआ है, देख सकते हैं, और अलग ही लुक दिखाई दे रही है आपको, देखने से पता चल जाता है बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। प्लांटेशन हमने इस तरीके से किया है क्योंकि जब तक लोग आएंगे तब तक इतने अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। देखिए हमने इस साइड में भी की हुई है, ये सारे पेड़ देख सकते हैं आप, लेफ्ट और राइट के अंदर जो है प्लांट लगाए गए ना दोस्तों, आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में बहुत बड़े पेड़ हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बिल्कुल नेचर मिल रहा है, यानी ये मान के चलिए सर ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल अपने नेचर में आ गए। बिल्कुल, देखिए एक पार्क आपका ये आ जाता है, क्या बात। और जब अभी लोग रह नहीं रहे सर, जब हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी सारी मेंटेनेंस रख रहे हैं, गर्मी का टाइम है, बिल्कुल हरी घास है, ये देख सकते हैं, यानी यहाँ पर अभी से मेंटेनेंस देखिए कितनी अच्छी मिल रही है आपको। तो अभी से इतना मेंटेनेंस, जब लोग आएंगे तब और हम और ज्यादा कर देंगे, क्योंकि जब तो फैमिली रह रही होंगी उस टाइम पे, तो हम और ज्यादा चीजें बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो हमारा जी, ये जैसे ये आपने पीला सा बोर्ड लगाया हुआ है, ये क्या है सर? इसमें ये आपके प्लॉट नंबर है। अच्छा, ये जो भी मार्किंग दी हुई है आपने, हाँ, इसमें आप प्लॉट नंबर लिखे जाएंगे इसमें। अच्छा जी, कहीं पे लिख दिए गए हैं, कहीं पे भी काम चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जो प्लॉट यहाँ पर सेल होते रहेंगे वो लोग अपने प्लॉट के नंबर के थ्रू यहाँ अपने प्लॉट को पहचान सकते हैं। आप अपने प्लॉट पे खड़े होकर देख सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा प्लॉट है। क्या बात है, एक बार फिर से दिखाएंगे दोस्तों आपको, देखिए इधर ये सेकंड एंट्रेंस है, ये देखिए सेकंड एंट्रेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारी इस साइड का, और ऊपर आपको फिर दोबारा से यमुना एक्सप्रेस वे भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये 60 वाइड रोड है आपका, 60 फीट वाइड। अब दोस्तों इस रोड को आप थोड़ा कैमरे में दिखाइए, देखिए कितना चौड़ा रोड है, क्या आपने कभी इतना वाइड रोड देखा है? यानी 60 फीट का रोड, अगर सर आप चाहते तो कम भी दे सकते थे, कम भी दे सकते थे, लेकिन इन फ्यूचर लोगों को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत परेशानियां ना हो, वो सारी चीजों को देखते हुए हमने इतने चौड़े चौड़े रोड यहाँ पे बनाए हुए। दोस्तों 60 फीट का मतलब समझते हैं, यानी तीन ट्रक इसमें बहुत आसानी से निकल सकते एक साथ। और सर ये जो गली हमने दी हुई है, जो गलियों के अंदर रोड है, ये कितने फीट के? ये 25 फीट के रोड है, 25 फीट जी। तो सर ये भी काफी वाइड है, हर जगह आपको 15 फीट 18 फीट की गलियां मिलती है।
यहाँ पर दोस्तों ये जो काम किया जा रहा है ना, बिल्कुल सोसाइटी डेवलप करके आपको दी जा रही है। अब देखिए, जैसे इन्होंने लिया हुआ है ये, अच्छा। इन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल की हुई है, उन्होंने उधर लिया, उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल करके गेट लगा दिया है। अच्छा। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है बाउंड्री वॉल करके अपना आप अपना कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरती से आपने इसको डेवलप किया हुआ है जी। मुझे ये बताइए, यहाँ पर इतना क्राउड आ रहा है और आपका प्रोजेक्ट कम से कम 80% आपने बताया सोल्ड हो गया। सोल्ड आउट है एक्चुअली। सर इतना तेजी से कैसे सोल्ड हुआ है और यहाँ पर USP क्या है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा रीजन है, यहाँ पे एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका अगर मैं काम की बात करूँ, 55% काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर सितंबर से अक्टूबर में 2 runway उसके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग जो है काफी बहुत तेजी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं और चीजों को फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिस दिन पहली फ्लाइट आपकी फ्लाई कर गई उसी दिन इसके रेट आप देखिएगा कितने हाई जाएंगे, कितना। दोस्तों ये तो होना ही है, जैसे कि आपको बताए नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे योगी जी लगे हुए, इसके उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर बहुत ही तेजी से इसका काम चल रहा है। सर अगर हम बात करते हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी USP यहाँ पर, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट के अलावा आपकी जो है फिल्म सिटी बन रही है, जो कि वो भी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। इवन जो मुंबई की फिल्म सिटी है उससे दोगुनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है ये। क्या बात है। ठीक है, क्राउड इधर आएगा फिर तो पूरा आएगा सर। बहुत से जो हीरो हीरोइन है उन्होंने अपने यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लैंड वगैरह ले रखी है, तो बहुत ज्यादा क्राउड आने वाला है यहाँ पे आने वाले समय में। ठीक है जी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हब आ रहा है पूरा, लॉजिस्टिक हब है, ISBT बन रही है। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट टैक्सी आ रही है, मेट्रो आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। इवन ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे ना इन फ्यूचर ना बनेगी। सर मैंने सुना सारी चीज आ रही है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी, ICC का आपका जो है BCCI का क्रिकेट स्टेडियम भी ऑलरेडी बना हुआ है, कम्प्लीटेड है, और उसी के बराबर में आपका F1 ट्रैक है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कार रेसिंग होती है। क्या बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी USP आपको मिलनी है। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे नज़ारा, देखिए इस रोड का कितना चौड़ा रोड है और सामने देखिए एक्सप्रेस वे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आपका घर है, आपने यहाँ अपनी कोठी बनाई, अपना बंगला बनाया, छोटा सा घर बनाया, मकान बनाया, और देखिए नेचर कितना अच्छा है। और मेन होता है सर सबसे अच्छा लोकेशन, आप बिल्कुल लोकेशन देखिए, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे, साथ में सर्विस रोड भी मिल रहा है, साथ में सर्विस रोड मिल रहा है कि आप आइए सर्विस रोड से अपना घर मकान दुकान को कहीं भी जाना कंपनी में जा सकते हैं। और सबसे सेकंड चीज की हमारा डेवलपमेंट पूरा हो रखा है हमारी सोसाइटी यहाँ पर, तो दोस्तों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आइए अपना घर बनाना स्टार्ट कीजिए और रहिए, बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो की, वो भी पता कर लेते हैं सर से। सर लास्ट टाइम जो आपने प्रॉपर्टी सेल की थी, आपका प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था जी, क्या प्राइस निकाले होंगे उस टाइम? देखिए स्टार्टिंग में हमने 7 से 8 का रेट निकाला हुआ था उस टाइम पे जी। आज हमारा जो रेट आते हैं वो 18,000 रुपए गज के रेट आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। टाइम कितना है, टाइम कितना था? टाइम आपका 1.5 से 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल में इतना फ्लक्चुएट हो गया जबकि उस टाइम पे ना तो एयरपोर्ट था, ना फिल्म सिटी था, बाकी चीजें थी। ये तो अभी हमारी 1 साल से आई हुई है। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, 7 से 8 हजार रुपए पर गज की ये जमीन थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, आज की डेट में यहाँ पर 17-18 हजार रुपए पर गज की जमीन हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में लगाइए, जब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हाल होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए कि हमारा जो सेकंड फेज जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा काम चल रहा है आगे की तरफ। अच्छा। तो ये है जो हमारा 40 फीट का रोड है, अगल बगल में आपका नालियां सीवर सारा काम चल रहा है, उस साइड में आपके प्लॉटिंग का जो है डिमार्केशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आप 7 डेज आएंगे, 7 डेज आपको काम चलता हुआ मिलेगा, आपके सामने है देखिए सारी चीजें। और सर ये बाउंड्री की जा रही है, यहाँ भी कुछ बन रहा है? हाँ जी, ये यहाँ पे कॉमर्शियल बन रहा है, यहाँ पे शॉप्स आएंगी, जो डेली बेसिक नीड की चीजें होती है वो आपको सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। देखिए काम चल रहा है, रोड को भी कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, साथ में आप ये नाली देख सकते हैं, यानी रोड का एरिया अलग कर दिया है कि आपका रोड कभी छोटा होगा ही नहीं, जितना बता दिया उतना आपको प्रॉपर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और ये पूरा सर ने एक्सटेंड किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा एक्सटेंड किया हुआ है जी। ये लीजिए, यानी आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएंगे, जैसे कि सर ने बताया 80% सोल्ड आउट हो चुका है, उसको शॉप मिल जाएंगे। यानी कोई अपनी लोकल मार्केट के अंदर अपनी शॉप करना चाहे, दुकान करना चाहे, तो देखिए बिल्कुल मेन रोड से टच है ये दुकानें भी आप ले सकते हैं। सर कितने बाई कितने की दुकान है? सर 9x18 की आपकी दुकान है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं ना कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो दुकान का रेट देखिए कितनी तेजी से चलता है। यानी आज आपने दुकान ली, 1-2 साल में उसका पैसा डबल हो जाएगा बहुत आसानी से। बहुत आसानी। और यहाँ तो दोस्तों प्रोजेक्ट का ही डबल हो रहा है,
तो दुकान का तो सर और भी ज्यादा होगा, और ज्यादा ही होगा। और इतनी बड़ी टाउनशिप है तो आपकी दुकान चलनी ही चलनी है वो, क्योंकि जब लोग यहाँ पर रहेंगे आएंगे तो उनके लिए शॉप्स वगैरह तो चाहिए। और ये देखिए फिर से एक पार्क आ गया है इस साइड में, फिर आपका देखिए डेवलप है, देख रहे हैं ग्रीनरी वगैरह, पेड़ पौधे हमने लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं सर कितने अच्छे से यहाँ पर विजिट कराई जा रही है साइट। ये गाड़ी देखिए, अभी इसी गाड़ी में हमने आपको पूरी साइट दिखाई है। सर यहाँ पर हमने मंदिर की बात की थी, हाँ जी आइए आपको मंदिर भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, यानी सर ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, मंदिर भी दे दिया है, पार्क भी दे दिए। ये देखिए हमने यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही डेवलप की हुई है, जिससे कि क्या होता है ना कि कुछ बिल्डर बोलते हैं कि हम ये बना के देंगे, ये करके देंगे, सर ऐसा बोलते हैं कि मंदिर बना के देंगे और यहाँ पे पार्क बना के देंगे, लेकिन होता नहीं है फिर बाद में, मुझे लग रहा है वही प्लॉटों में कट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे चारों हमने कवर्ड करके मंदिर बना के आपको दिया हुआ है, चाहे पार्क हो चाहे मंदिर हो चाहे वो अलग चीजें हो। दोस्तों रास्ते आपने देख ही लिए, आरसीसी के रोड है, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, ये अंडरपास है हमारा, एक्सप्रेस वे का, गाड़ियां आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए अब सर से एक बात और कर लेते हैं, सर आपके नियर बाई और भी प्रोजेक्ट हमने देखे हुए, लेकिन सर वहाँ पर कुछ प्राइस अलग हैं, आपके प्राइस अलग हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं हमारे व्यूअर्स, थोड़ा उनके लिए बताइए किस तरह से अलग होते हैं। ये आपने बात एकदम सही पूछी, हाँ जी। देखिए क्या है, एक तो प्रोजेक्ट है हमारा डेवलप प्रोजेक्ट और एक है स्टार्टिंग की, वहाँ पे खेत वगैरह पड़े हुए हैं, अब वो कब डेवलप होगा कब नहीं डेवलप होगा, जो बोल रहे हैं वो चीज मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो इस वजह से हमारे जो रेट होते हैं वो थोड़ा सा अलग है। यानी दोस्तों क्वालिटी पे जाए, क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए, जो चीज यहाँ मिल रही है ना आपको पहले से ही सारे काम किए हुए, जो आपको सपने दिखाए जाते हैं ना वो आपके सपने यहाँ पूरे हो चुके हैं और सामने है आपकी सारी चीजें। एग्जैक्टली राइट, एकदम। आपने इस तरह की ग्रिल कभी देखी है पार्कों में लगी हुई, सिर्फ बोल दिया जाता है ये रहा पार्क, देखिए ये रहा पार्क, ऐसे दिखा दिया जाता है। यहाँ पर ये पार्क नहीं है, ये प्लॉट है, प्लॉट है यहाँ, यहाँ पर आपको पार्क बोला है तो पार्क इस तरह से पूरा कवर्ड मिलेगा, आपको रेलिंग लगी हुई मिलेगी, बिल्कुल। मंदिर बोला है तो मंदिर बना हुआ दे रहे हैं और मंदिर आपको मिल रहा है ऑलरेडी। सर क्या क्या साइज के प्लॉट देंगे और उन पर आपका ये बताइए हमारा प्राइस क्या रहेगा, कितने रुपए पर गज पे मिलेगा? देखिए 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 150, 200, 300 स्क्वायर तक इसमें प्लॉट्स हैं। ठीक है जी। ठीक है, पेमेंट अगर टाइमिंग की बात करूं तो हम 90 डे से लेके 120 डे तक का टाइम देते हैं, उसके अंदर आपकी सारी पेमेंट आ जाती है, रजिस्ट्री मोटेशन सारी चीज़ करा के आप भी फ्री, कंपनी फ्री की, फिर उसके बाद आप अपना घर बनाइए, जो करना है आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपके हाथ में सारा एक्सेस आ जाता है, आप चाहे इसे 6 महीने रखें, चाहे साल भर रखें, चाहे लाइफ टाइम के लिए अपने बच्चों के लिए लेके छोड़ दें। बिल्कुल सर। तो जब एक्सेस आपके हाथ में रहेगा तो आप कभी भी इसे सेल कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है आप 6 महीने में सेल कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा सर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इतना अच्छा है कि आप एक फ्लोर लीजिए, उसमें अलग अलग 3 फ्लोर बनाइए और तीनों को अलग अलग रजिस्ट्री करा के फ्लोर आप सेल कर दीजिए, रेंट पे उठा दीजिए, क्योंकि आसपास में फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब आ रहा है, तो आपको पता है कंपनी वगैरह आएंगी तो लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे, आसपास में ही जाएंगे, तो आराम से आप रेंटल ले सकते हैं आराम से। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, सर को कॉल करनी है, जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करना है, यहाँ पर 80% तक का माल सोल्ड आउट हो चुका है। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यमुना एक्सप्रेस वे सर्विस रोड से टच में ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी की बात करें तो सर क्या बात है, हरित वाटिका, और सर का नाम भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुन सिंह। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है, काफी टाइम से काम कर रही है आपके लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट लाती रहती है, अलग अलग यहाँ पर आपको ऑफिस भी मिल जाते हैं, साइट पे आपको ऑफिस मिलता है। और सर एक और ऑफिस जो आपने बताया नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 2 में है, सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बिल्कुल नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस में। ठीक है जी। वहाँ पे आप आइए, आपको बैठा के आपको फिर विजिट के लिए लेके आएगा, आया जाएगा यहाँ पे और फिर वहीं पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा गाड़ी से। आप बेफिक्र होकर के यहाँ पे आ सकते हैं, सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ऑफिस आइए, विजिट कीजिए और अपना एक अच्छा सा प्लॉट यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है जिस चैनल पर इसको देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम दिखाने वाले सर के साथ जुड़ करके, जहाँ भी सर प्रॉपर्टी लेकर के आएंगे आपको हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ से हैंड ओवर कराएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।